हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मोहन राजवाड़े। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो सकता है और कौन से लेवल हम ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले कुछ पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए आज मार्केट जिस तरीके से मूवमेंट आया है, लगभग 750 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है, 2% से ज़्यादा मूव आया है और 240 पॉइंट निफ्टी में मूवमेंट आया है। जबकि हमारा व्यू क्या था कि मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है, मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ ट्रेड कर सकता है, इधर आ जाता 33,800 हम लोगों ने डिस्कस किया था या 34,000 एटलीस्ट आ जाता तो इसका एक रिट्रेसमेंट हो जाता, राइट। फिर इधर से रिवर्स करता तो हम लोग ट्रेड लेते, ये ट्रेड हमारा ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन आज का कैंडल जिस तरीके से क्लोजिंग आया है, टेक्निकली एक कल गैप अप ओपन दे सकता है। अगर कोई बैड न्यूज नहीं आया तो टेक्निकल चार्ट में जैसा यहाँ पर समझ में आ रहा है या जिस तरीके से मार्केट मूवमेंट करता है, जब बड़ा कैंडल के साथ क्लोजिंग आता है आप देखे तो अगले दिन गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक, चांस कम मिलता है, राइट, इस तरीके का। तो उसी तरीके का फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट किया है। लेकिन हमारे व्यू के अगेंस्ट मार्केट ने मूव किया तो हम लोगों ने यहाँ पर कोई पोजिशन नहीं बनाए हैं, राइट। क्योंकि देखिए अगर हमारे व्यू के, देखिए जब आप अपने व्यू में ट्रेड कर पाओगे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम भी आप उसमें ट्रेड कर पाओगे। लेकिन अभी तुक्का मार के अगर आप यहाँ ट्रेड भी ले लिए हमारे अगेंस्ट व्यू के अगेंस्ट, तो फिर अगर वो लॉस होगा तो लॉस बड़ा देके जाएगा और उसके ऊपर फिर बाद में रिग्रेट फील होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर कोई पोजिशन नहीं बनाया, ना मैंने भी बनाया और ना भी आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल में ट्रेड दिया कि यहाँ पर हमारे व्यू के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहा है, हम यहाँ पर कोई पोजिशन बना के आज नहीं जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों और आपको ध्यान रखने की जरूरत है, फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे आप लोगों ने देखा होगा और आज मंडे, देखिए 2 दिन यहाँ पर मार्केट क्लोज था, ठीक है, मतलब सैटरडे संडे, फिर भी आज प्रीमियम में डीके नहीं हुआ। यहाँ तो डीके हुआ ही नहीं था, चलो फ्राइडे था, फ्राइडे के दिन कम डीके होता है, यहाँ पर हम मानते हैं 39 के आसपास पूरा दिन स्टक रहा, लास्ट में 2-3 पॉइंट यहाँ पर गिरा था डीके, ओके। आज जब ये क्लोज किया था तो 36 के आसपास क्लोज किया था आईवी, आज आईवी ओपन ही 49 के आसपास हुआ। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने आयरन कंडोर पोजीशन बना के गए थे और यहाँ पर अगर ओपन होगा तो आप लोगों को नॉलेज के लिए बता दो दोस्तों कि 1 पॉइंट अगर आईवी बढ़ता है तो एक लॉट में जो आप आयरन कंडोर या जो भी पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, या स्टडर बनाते हैं, उसमें 500 पॉइंट का प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर ये गिरेगा तो 500 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको प्रॉफिट मिलेगा, 1 पॉइंट गिरेगा तो, और अगर 1 पॉइंट बढ़ेगा तो 500-600 पॉइंट, ठीक है, एकदम राइट फिगर तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे तो 500-600 पॉइंट एक घट सकता है या 500-600 पॉइंट बढ़ सकता है। अगर आईवी बढ़ेगा तो 500-600 पॉइंट आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो कम हो जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगा। तो अगर आपने आयरन कंडोर बना के गए होंगे तो आज आप लोगों ने देखा होगा कि मॉर्निंग में ओपन ही 100 से 150 रुपए का हुआ, ये रेयर, ऐसा कम ही होता है। मैंने इस तरीके का ट्रेड नहीं किया था या जब भी मैं पोजिशन बनाया हूँ इसमें, अगर हम लोग फ्राइडे के दिन बनाए हैं तो मंडे के दिन अपने को एक अच्छा प्रॉफिट मिल ही जाता है। आज नहीं बना क्यों? देखिए अगर आईवी बढ़ रहा है, देखिए थीटा डीके तो अपने को मिला, लेकिन जितना थीटा डीके हुआ उससे ज्यादा आईवी बढ़ने से, ठीक है, हमारा जो प्रॉफिट आना चाहिए था वो लॉस में बदल गया, ठीक है। तो इसके बाद 1,000 रुपए के आसपास का हमारा फिगर रहता है, अगर ये आपका लॉस हुआ होगा तो आप लोगों ने कट कर दिया होगा, हम लोगों ने भी कट किया है। तो इस तरीके की चीजें अभी हो रही हैं, बहुत सारी चीजें अभी हमें मार्केट में सीखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। देखिए मार्केट इज वेरी डायनामिक, ठीक है, यहाँ पर आपको एवरी डे कुछ ना कुछ सीखने और कुछ ना कुछ देखने को एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। बट जब मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट करने लगे या कुछ अलग टाइप से मूवमेंट करने लगे, जब हमारे व्यू के अगेंस्ट मूवमेंट करने लगे, तो उस समय थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, हाथ बांध लेना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए मार्केट को, पैनिक में आके कुछ गड़बड़ ट्रेड नहीं कर लेना चाहिए या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपने व्यू के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाए नहीं और ना ही मैंने आप लोगों को कोई सजेस्ट किया है। तो दोस्तों अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी में नो डाउट एक अच्छा पॉजिटिव लग रहा था, कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव है, निफ्टी ऊपर जा सकता है, और जिस तरीके से निफ्टी क्लोजिंग दिया है मे बी कल एक इसमें गैप अप ओपनिंग मिल जाए और 70,000 के आसपास का कल ट्रेवलिंग कर सकता है। तो निफ्टी में मूवमेंट आ रहा है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी जिस तरीके से मूवमेंट किया, हमें लग रहा था साइडवेज होता फिर मूव करता तो ट्रेड हमारा अच्छा होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, अब हम लोग चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में, कंटिन्यू मूवमेंट आया है, राइट। देखिए अगर आप यहाँ पर 20 MA का चार्ट लगाएंगे दोस्तों, तो ये लोअर लेवल में 20 MA का चार्ट है, कंटिन्यू इस EMA को टेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, टेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है लगातार, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर जरूर गिरा था, लेकिन ये लास्ट मिनट का है, थोड़ा एडजस्टमेंट है और प्रॉफिट बुकिंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो जिस तरीके से क्लोजिंग आया है, RSI भी थोड़ा सा इसका कूल हो गया है, मैं देख रहा हूँ कि जैसे ऊपर जाएगा एक मोमेंट इसमें स्पीड में आ जाएगा सुबह सुबह, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर पाए तो। अगर देखिए
जब तक ये ट्रेंड चल रहा है, यहां से अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें तो ट्रेंड जब तक चल रहा है राइट, ये कंटिन्यू रहेगा। नो डाउट यहां पर जो लो बना है, इस लो के नीचे आ जाओ इधर, तो जब तक 35,000 के ऊपर है ये शॉर्ट नहीं है राइट। हो सकता है कल एक बार नीचे आ जाए, 35,000 के आसपास आए और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चले जाए, तो ऐसा मोमेंट हो सकता है। अगर मान लीजिए मॉर्निंग में थोड़ा गैप डाउन ऊपर मिल जाता है 100-200 पॉइंट, ठीक है, अगर 35,000 के आसपास से कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है तो यहाँ से रिवर्स कर जाएगा और डे हाई तक का अपना टारगेट हो जाएगा, तो 250-300 पॉइंट का मोमेंट मिल जाएगा। ऐसे कंडीशन में रिवर्सल में जो भी यहाँ पर हैमर टाइप का कैंडल बने 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट में, वो हमारा एसएल हो जाएगा, मतलब 100-150 पॉइंट से ज्यादा एसएल बनेगा नहीं। ओके, अब फ्रेंड ध्यान रखेंगे, देखिए अगर मान लीजिए मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन होके इमीडिएट ऊपर चले जाता है, तो आप अगर यहाँ पर बाई करना चाहें तो बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अगेन 120 से 150 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा, जैसे हाई ब्रेक करेगा हम लोग बाइंग कर सकते हैं। आज का हाई क्या है, 35,430-40 के आसपास, ठीक है, तो जैसे 35,430 के ऊपर निकलता है हम लोग बाइंग कर सकते हैं, 120 पॉइंट का एसएल रहेगा। ये मोमेंट देखिए 35,500 के ऊपर अगर 5-6 मिनट टिका तो कम से कम 200-250 पॉइंट का और मोमेंट आपको कंटिन्यू में दिखा सकता है, तो मतलब अपर साइड का मोमेंट कहां तक आ सकता है, लगभग लगभग 35,700-800 का भाव दिखा सकता है। तो इस तरीके से ट्रेड बनेगा, आप वेट करें कोई प्राइस एक्शन पैटर्न का, इसके नीचे अगर ये कंटिन्यू सस्टेन रहता है फिर 1-1.5 घंटा लो बना के फिर से लो ब्रेक करेगा 35,000 के बिलो, तभी शॉर्ट के बारे में सोचें, अदरवाइज यहां पर शॉर्ट नहीं है मार्केट। हो सकता है किसी कारण से गैप डाउन ओपन हो जाए तो फिर मैटर अलग है। ओके, तो फिर हम लोग देखेंगे वो प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा तो उस हिसाब से ट्रेड करेंगे राइट। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग निफ्टी में, कुल मिला के इसमें कल बाई का ट्रेड है। ओके, देखिए ज्यादा गैप अप ओपन हो जाएगा तो इसे कोई चांस नहीं मिलेगा, तो ज्यादा कुछ पैनिक करने का है, फिर हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड देखिए निफ्टी जिस तरीके से क्लोज किया है 15 मिनट के चार्ट में देखिए या फिर आवरली चार्ट में देखिए, बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। इससे पहले अब इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मैं देख रहा हूँ इस भाव से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है 17,000 के ऊपर। कैसे ट्रेड करेंगे, ध्यान रखेंगे शायद ये फ्लैट खुले, ठीक है, शायद ये फ्लैट खुले, लेकिन अगर मान लीजिए खुल के थोड़ा बहुत नीचे मिलता है इधर, ठीक है, 16,800 के आसपास, तो इधर से आपको एक बाइंग का ट्रेड मिलेगा। अगर ये फ्लैट खुलता है राइट, देखिए अगर ये ओपन होके पहले नीचे आता है तो 16,800 के आसपास देखिए ये जो जहां पर कंसोलिडेट किया ये भाव इसको सपोर्ट दे सकता है, तो फिर कोई रिवर्सल बनेगा तो ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर ये फ्लैट खुलता है, अगर चांसेस इज वेरी लो, अगर फ्लैट खुलता है जैसे ब्रेकआउट करता है आज के हाई के ऊपर, हम बाइंग कर सकते हैं और यहाँ पर 40-50 पॉइंट का हमारा एसएल होना चाहिए राइट, और टारगेट अपर साइड में 17,000 का आप लिख के देखिए, ये ट्रेड हमें कल के दिन पे मिलना चाहिए। तो 16,980-90 ये भाव हमारा 17,000 का लेवल माना जाएगा, तो यहाँ तक का टारगेट हमें कल निफ्टी में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, अगर ये नहीं मिलता है छोड़ दीजिए, मतलब इंडेक्स में अगर कोई ट्रेड अच्छा नहीं मिलता है, गैप अप हो जाता है, तो आप छोड़ दीजिए फिर स्टॉक की तरफ आ जाइएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टॉक में देखते हैं कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स पहला स्टॉक और बहुत ही जबरदस्त ट्रेंड में है, ठीक है, इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि इसे BTST बना के जाना चाहिए, लेकिन इसे मैं लास्ट में देखा जब मार्केट क्लोज हो गया था, तो कल हम एक अच्छा ट्रेड देके जा सकता है। बहुत ही अच्छा हैमर कैंडल के साथ क्लोजिंग आया है, 2 दिन साइडवेज भी है, जैसे ब्रेकआउट आएगा फ्रेंड्स बहुत अच्छा ट्रेड आपको देके जा सकता है राइट। तो इसमें क्या करें, मैंने यहाँ पर अलर्ट लगा दिया, जैसे ब्रेकआउट आएगा इसमें अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है अपर साइड में, तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। बाइंग कब करेंगे, देखिए बाइंग बनेगा इसी भाव के ऊपर, जैसे ब्रेकआउट आएगा हम लोग बाइंग कर सकते हैं, 723-24 के ऊपर निकलेगा बाइंग कर सकते हैं, इस लेवल का हमारा एसएल रहेगा, मतलब 718 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो कल नजर रखिए ब्रेकआउट आएगा तो बहुत ही अच्छा ट्रेड देखे जा सकता है, क्योंकि आसपास में रेजिस्टेंस नहीं है, ब्रेकआउट करेगा तो एटलीस्ट ये 740 की तरफ जा सकता है, तो ट्रेड अच्छा मिल जाएगा। नजर रखिए 735 से 740 का टारगेट हमारा होना चाहिए कल के दिन पे टाटा कंज्यूमर में। अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं दोस्तों, ये हैवेल्स, इसे भी नजर रखिए आप डेली चार्ट में देखें, तो जैसे देखिए इसी टाइप का हम चार्ट पैटर्न चाह रहे थे बैंक निफ्टी में, कि एक बार नीचे आ जाए फिर रिवर्स करेगा तो ट्रेड हमारे लिए बहुत अच्छा होगा राइट। यहाँ पर एक्युमुलेशन के जैसा पैटर्न बन रहा है। ओके, अगर आप इसका 5 मिनट के चार्ट देखेंगे दोनों में जिस तरीके से ट्रेड किया है ये एक्युमुलेशन है राइट। तो कल हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे इसे, देखिए एक तो दोस्तों आप यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दो, ये हॉरिजेंटल लाइन के आसपास ही है। ओके, जैसे ब्रेकआउट आता है हमें एक अच्छा ट्रेड देके जा सकता है, तो हमें बाइंग, देखो एक तो राउंड फिगर का लेवल है, जैसे ब्रेकआउट आएगा ट्रेड अच्छा देके जा सकता है, 1094 का हमारा एसएल होगा और बाइंग करेंगे 11
1100 के ऊपर। जैसे 1100 के ऊपर ही निकलता है हम लोग बाइंग करके जा सकते हैं, 6 पॉइंट के एसएल है और टारगेट आपका इधर कहीं होना चाहिए। तो ट्रेड बहुत बड़ा है अपर साइड में, 1110 से लेके 1115 के आसपास का टारगेट आपको इंट्राडे में ईजी मिल जाना चाहिए। तो हैवेल्स को नजर रखिए, ब्रेकआउट आएगा तो बहुत अच्छा ट्रेड देखे जा सकता है। जैसे आज रिलायंस में आपको ट्रेड मिला होगा, रिलायंस में मैंने आपको ट्रेड दिया था, अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होंगे तो ट्रेड आपको मिला होगा। जैसे ब्रेकआउट आया 2400 के ऊपर स्पीड में मूवमेंट आया, आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। मैंने बताया था आप लोगों को कि 24.4 के ऊपर ट्रेड मिलेगा और आपको 20-25 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। तो 25 पॉइंट तो नहीं लेकिन 20 पॉइंट का आपका बहुत ही ईजी ट्रेड मिला है, क्योंकि फिर नीचे आया नहीं। तो उसी टाइप का ट्रेड आपको कल हैवेल्स में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये है कैनरा बैंक। और अगर कैनरा बैंक को देखें तो बैंकों में ये स्टॉक अच्छा लग रहा है मुझे, कल एक ट्रेड आपको ये दिखा सकता है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ से कंटिन्यू नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अगेन यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जा रहा है। कल हम लोग इसके ऊपर बाइंग कर सकते हैं, जैसे इस रेंज के ऊपर निकलेगा हम लोग बाइंग का ट्रेड लेके जा सकते हैं। यहाँ पर अगर ट्रेडिंग व्यू आप यूज करते होंगे तो यहाँ पर लगा दीजिए अलर्ट, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर लगाएंगे हम लोग अलर्ट, राइट, इस टाइप का मुझे लगता है ट्रेडिंग व्यू आपको यूज करना चाहिए। मैं भी बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ, हालांकि ये भी पैड है, ठीक है, आप लोग देख लें, काफ़ी महंगा भी लगता है, ठीक, 22-22 हज़ार रुपया ईयरली चार्ज लगता है, लेकिन फ्री में भी आप एक दो चार्ट इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कल मैं इसमें देख रहा हूँ दोस्तों, ये सुपर जैसे ब्रेकआउट आएगा हम लोग बाइंग करके जा सकते हैं, ठीक है। 223 के ऊपर, 223 के ऊपर निकलेगा हम लोग बाइंग कर सकते हैं, 220 का एसएल रखेंगे, ठीक है। 3 रुपये का एसएल है लेकिन टारगेट अच्छा है, देखिए इधर का टारगेट दिख रहा है इंट्राडे में, आसपास में रेजिस्टेंस नहीं, एक रेजिस्टेंस यहां पर मिलेगा 29 के पास। तो अगर यहां से निकलेगा तो भी एक अच्छा ट्रेड आपका बन सकता है, 3 रुपये के सामने 6 रुपये का टारगेट आपका ईजी हो जाएगा। नजर रखिए कल के दिन पर ब्रेकआउट आएगा तो बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है एसर मोटर, ठीक है। एसर मोटर को ध्यान रखिए, कल एक अच्छा ट्रेड ये देखे जा सकता है, जिस तरीके से यहाँ पर हैमर कैंडल बना हुआ है, ओके, ये कंटिन्यू हो सकता है और इस कैंडल के हाई तक का मोमेंट हम इसमें उम्मीद कर रहे हैं। तो कल अगर ब्रेकआउट आएगा दोस्तों तो बाइंग करके जा सकते हैं। इसे देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट आया है, ठीक है, और ब्रेकआउट आके ऊपर में सस्टेन किया है, ये सभी रेजिस्टेंस है, ओके। तो कल जैसे ब्रेकआउट आएगा हम लोग बाइंग करके जा सकते हैं आज के हाई के ऊपर। आज का हाई क्या है, 2320 का, ठीक है। जैसे ब्रेकआउट आएगा बाइंग करेंगे, इसमें 15 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा, मतलब 2305 का एसएल रख के हम लोग बाइंग करेंगे और टारगेट इधर होना चाहिए, मतलब 2350 से लेके 60 के आसपास का टारगेट हमारा बनना चाहिए। तो नजर रखिए कल के दिन पे आइसर मोटर में ब्रेकआउट आएगा तो बाइंग करके चाहेंगे। इसके अलावा दोस्तों और भी स्टॉक मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं, अगर ये प्राइस पैटर्न में आएगा तो मैं आप लोगों को ट्रेड दूंगा, राइट। देखिए एक तो पेज इंडस्ट्री को आप ध्यान रखिए, मैं चूंकि बड़े स्टॉक में ट्रेड करना पसंद करता हूँ, जैसे मैं एमआरएफ में भी आप लोगों को कल बताया था बहुत ऐसा ट्रेड मिला है 2 दिन से उसमें, कल ये ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा ट्रेड देने वाला है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है 45,000 से 50,000 की तरफ जाने वाला है। इसी के साथ आप देखें तो श्री सीमेंट में भी एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, इसे थोड़ा सा आप एनालिसिस करिए, ट्रेड अच्छा देखे जा सकता है, नजर रखिए। रिलायंस इंडस्ट्री हमारे वॉच लिस्ट में है, कोई पैटर्न आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, ये 2440 की तरफ जा रहा है। इसके अलावा मैं एलटीआई को देखूंगा, कल मैंने आप लोगों को बताया था एलटीआई में कल अगेन इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं 6300 का, ठीक है। मैंने कल बताया था कि ये 6300 तक का मूवमेंट दिखा देगा, लिए होंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। तो कल मुझे दिख रहा है कि स्टॉक अपर साइड में 6400 की तरफ जाने वाला है, ब्रेकआउट करेगा तो 20-25 पॉइंट कैसे लगा के इसमें हम लोग बाइंग करेंगे, ठीक है। ये लेवल मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में ही तक, आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।